हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह उठ के कुछ दिन से मुझे चक्कर आता है, ठीक से खाना नहीं खाती ना। तो आज संडे और आदरी को मैंने बोला जाओ अब बांगली वाला बाजार में जाओ, संडे में बैठता है ना, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, उसको भेजा। मैं बोला साग लेके आओ, फिश लेके आओ। तो अभी मैं उठा, जस्ट देखता हूँ क्या क्या लेके आया। वो ऑलरेडी लेके आया, 6:30 बजे भेजा था। फिर मुझे वीडियो कॉल किया था, बोलते बहुत कुछ मिल रहा है। ओ माँ, तुम बादल लेके सो गए अभी भी? हाय, यहाँ पे रख के सो रहा है। इतना सारा लेके आया तू? कितना सारा लेके आया? क्या क्या लेके आया दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे सब कुछ फिश नहीं है, मैंने फिश लास्ट में मना किया बिकॉज मैं कैटफिश लेके आने के लिए बोला था। और कैटफिश जो है ना, घर पे लेके काटना पड़ेगा, जिंदा होता है, टाइम लग जाता है। पर बैठ के काटूंगी आधा घंटा एक घंटा लगेगा, फिर कॉमर में पेन हो जाएगा। और कॉमर में पेन ठीक है लेकिन बैठ नहीं पाती, प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए मैं गया नहीं बाजार में। और देखते फर्स्ट टाइम गुजराती हस्बैंड ने बंगाली कैसे बाजार किया। वो कभी भी मेरे साथ जाते हैं, उसको पता ही नहीं है कौन सा सब्जी क्या नाम है। और मैंने सब साग लेके आने बोला, देखो सब साग लेके आया। मैं बाद में देखा था, पहले निकाल देता हूँ। एक हफ्ता तक चल जाएगा, हर रोज साग खाना चाहिए। यहाँ पे तो गुजराती में गुजराती लोग जो खाते हैं, और यह गुजरात में एक ही साग मिलता है, वो है पालक। और दूसरा मिलता है इसका नाम तो अदर, जो ना क्या बोलता है, वो हर टाइम नहीं मिलता। ये भी साग है, ये है अरबी का साग। मैं दिखाता हूँ, ये अरबी का दो आइटम का साग होता है। अरे ये मुर्गी चिकन, ऑर्गेनिक चिकन जो व्हाइट कलर का आता है वो नहीं है। व्हाइट कलर में सस्ता में आता है, और ब्रॉयलर का मैं नहीं खाती, इसके ना टेस्ट अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। अरे जो रेड कलर का आता है वो है मुर्गी का। आदमी मुझे लेके आके क्या बोल रहा था बताए, बोल रहा था दुकान वाला, बोल रहा है अंदर है ना, अंदर एक आगोश होता है जो मुर्गी का खाना जमा होता है ना, वो दुकान वाला बोलता है वो ले जाओ। आदमी बोलता है ना ना फेंक दो फेंक दो, कौन खाएगा, घिन आता है। बोलता है जो लोग खाने वाला वो तो मुर्गी इससे ज्यादा वो पसंद करेगा। मुझे बोल रहा था मैं तो फेंकना चाहती थी, मैं बोला ना बाबा मुझे बहुत पसंद है। उसको पता नहीं है इतना लेके आया, अच्छी बात है। बहुत सारा फिश का फोटो भेजा, बोलता कौन से चाहिए, मैं बोला ना कोई जरूरत नहीं है फिश का अभी। मुर्गी ऑलरेडी काटा हुआ ही है, टेंशन नहीं है, अगर बोलता बिना काट के भी लेके आ सकते थे। ये है कोमली शाग, ये ना बहुत बार लेके आई, इसको पता है। मैंने जस्ट नाम बोला, और जो लोग सेल करते हैं उनको बांग्ला नाम से पता चलता है। मैंने कोमली बोला आदिक को, उसने बोला कोमली शाग है, तो उन लोगों ने दे दिया कोमली शाग। और ये है लाल शाग, ये सब यहाँ पे नहीं मिलता। ये है लाल शाग, देखो लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, लाल शाग इसका नाम। यहाँ पे बांग्लादेश में ना बहुत वेराइटी शाग मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, रविवार को ओनली रविवार को मिलता है। यह पुई शाग, और भी शाग था आइटम में, और भी 4-5 आइटम था। मैंने बोला चलो इतना मत लेके आओ, फिर फ्रिज में भी जाएगा नहीं होगा, ऑलरेडी फ्रिज में जाएगा नहीं है हमारा घर पे, फ्रिज में कभी फ्रिज खाली ही नहीं होता। बार बार बोलता है पुई शाग क्या है, मैंने बोला पुई शाग हमारा देखो यहाँ पे पैर लगा है मैंने ऑलरेडी, ये देखो दिखाई दे रहे। मैंने बोला हमारा पैर है ना ऐसे ही मिलेगा देखना, और जाके बस तुम पुई शाग बोलना, बंगाली लोग पहचान जाएंगे। ये 3 आइटम का साग हुआ, और भी 1 आइटम साग है। हाँ दूसरा है ये है लोती, इसका ये भी ऑर्गेनिक वाला लोती, इसका दूसरा आइटम का भी मिलता है, ढाका में काटा हुआ मिलता है, तो मुझे इसको मेहनत करके काटना पड़ेगा, एक एक करके छील के काटना पड़ेगा उसको। ड्राई फिश के साथ अच्छा लगता है, ड्राई फिश या प्रॉन के साथ बनाते हैं। इसका नाम लोती, अरबी अरबी जो अरबी का पैरा था ना इसके नीचे होता है ये, और भी लंबा लंबा होता है, जो लंबा होता है थोड़ा फ्रेश होता है, थोड़ा छोटा वाला है। ये 500 ग्राम लेके आया, पता नहीं कितना, मुझे प्राइस नहीं पता। वो सो रहा है आके, अभी सुबह 6 बजे भेजा तो अभी सो गया। अरे ये कोचू शाग, कोचू को बांग्ला को अरबी को हम बांग्ला में कोचू बोलते हैं। ये 120 रुपये में लिया, ये देखो इससे सब्जी भी बनता है, नीचे का होता है, इसके नीचे अरबी बनता है, ये लोती भी बनता है, एक में एक पैर में कितना सारा चीज़ें बनता है, सब पत्ता भी खा सकते हैं। ये नीचे का, इसका सब फिश करी में डालेंगे। इलिश है घर पे, मैं लास्ट टाइम लेके आई थी ना उससे बनाऊंगी। अरे ये देखो ये जो बीच का जो होता है ना, ये है पैर, इसका बना लेना पड़ेगा आजकल में, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये भगवान आज दूध लेके आ गया, मैंने बोला एक लेके आने के लिए, कौन खाएगा इतना ज़्यादा, पैसे से मतलब नहीं, अभी मैं खाते खत्म ही नहीं कर पाऊंगी। उसको बोलता हूँ तो क्यों दूध लेके आया अद्रिक, ओए
तू लेके आई वाला, मैंने बोला एक ले लो। एक ही था, एक कहा था लंबा था, काट के दिया उसने। लंबा था तो फिर अच्छा है भाई, तुमने अच्छा लिया। इसका नाम क्या बता सकते हो? तुमने तो लेके आया भाई, अच्छा हुआ एक लिया भाई, नहीं तो लाल सगाज बना दूंगा। थोड़ा तो फ्रेश नहीं है ना, तुमने भी बोला था। देखा इसका नाम क्या है? कोमली शाक, तुम्हारा पसंद का, दो तीन बार खाया भी सही। लोटी कितनी का है? 60 रुपी, 60 रुपीज, सस्ता ही है। हमारे उधर भी इतना इतना ही होता है। और कोमली शाक 50, ये तीनों 30, 90 रुपया, 30-30 रुपीज में, सस्ता ही है। सस्ते में मिलता नहीं, बताओ यहाँ पे। लेकिन नहीं पता था, मुझे लगा दूल्हे क्या है। अच्छा हुआ तुमने एक ही लिया, नहीं तो कौन खाता ये इतना सारा। देखो ना पूरा सब्जी से भर गया, मुझे एक हफ्ते में खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। बेबी को देखने है? हाँ देखूंगी, जाओ तुम लोग लेके आओ, उसके लिए शॉपिंग करके आओ। मुर्गी कितना लेके आया? 1 किलो, 1 किलो 900 ग्राम। अच्छा क्या इस बार पीस बड़ा बड़ा करवाया? बड़ा भी किया, छोटा भी करवाया। पहले बार मैंने मुर्गी लेके आए थे चिकन, मैं बोला पीस मत करवाना, बड़ा ही है इसलिए आप बोलते हो ना बड़ा टेस्टी होता है। आप टेस्टी भी होता है, पीस करके लिए क्या अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे मेहनत हो जाता है पीस करने में। यहाँ पे मैंने देखा एक चीज, लोगों ना थोड़ा थोड़ा भी लेता है, पूरा मुर्गी लेता नहीं। अरे इसके बारे में बोलो तुमने ना, ये वाला, ये खाने में बहुत अच्छा होता है, इसका नाम मैंगोश, बहुत टेस्टी होता है। रान कहा गया, लेग पीस कहा गया इसका? अरे मेरा लेग पीस चुचुरी हो गया क्या? ये है मुर्गी का लेग पीस ना, बड़ा होता है ये, देखो ये वाला, ये देसी मुर्गी है ऑर्गेनिक वाला। सब अलग अलग पैकेट में कर लिया, क्या जब निकालना हो ना, जब खाना हो तो मतलब एक साथ में नहीं रखती, जब थोड़ा थोड़ा वो खाना होता है थोड़ा थोड़ा निकालता हूँ, इसलिए मैं पैकेट करके रख देता हूँ। पैकेट तो कर लिया लेकिन फ्रिज में जाएगा नहीं, दिखाता हूँ फ्रिज का हाल क्या है। ये देखो इसमें तो जाएगा हुआ, मम्मी लगता है मैदा वैदा सब निकाल दिया। नीचे वाला हाल देखो, एक बार ठूस के भर के रखा हुआ जैसे, एक एक गिनना मत। गरम पानी बोला है, क्यों सर्दी लग रहा है? ये नहीं खाती हम लोग, ये खाओ ना तुमको। हो गया, फिल्टर का वो बंद करने के लिए बोल रहा है। अरे बरवा ही नहीं, ए बेबी कांगरा आएगा, कांगरा को दूंगी, बहुत मजा आएगा उसको। कांगरा नहीं है, आएंगे तो दे दूंगा उसको, फिर रख देता हूँ। आज जीकलू को भी बाहर चला गया बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए, दिवाली का शॉपिंग। वैसे तो दिवाली भी है सामने और बेबी के लिए शॉपिंग भी तुरंत करना पड़ेगा, बहुत सारा कपड़ा लेना पड़ेगा। मैंने जो लिया मतलब वो कुछ और भी लेना पड़ेगा उसके लिए, इसीलिए गया शॉपिंग करने के लिए। और उसको झूला को निकल गया, फिर रख के गया वो इधर से देखो। और आज हमारा घर पे गेस्ट आने वाला है, वो जो हम गए थे ना अंकल के घर पे, मुस्लिम अंकल के घर पे, वो लोग आने वाला है। तो मैं खाना बना रहा था, क्यों ना इतना सारा सामान लेके आया देखने में, मैं बोला मैं चिकन विकन बना दो क्या, तबीयत तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा खड़ा होता तो कमर में पेन भी होता है, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं क्योंकि मैं मेरे लिए बनाने वाला हूँ, तो मैं बोला उनके लिए भी बना दो। चलो उसको सोने देता हूँ, मैं भी काम करूँगी और शॉपिंग क्या करते देखता हूँ। चलो बेबी तुम सो, वो काकरा आया है, काकरा को दे देता हूँ। आजा तेरे को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मैं बोला कहाँ है, अभी तक कगरा आया नहीं, एक स्पेशल खाना रखा तेरे लिए, आ जाएगा देखना अभी। ये देखो आ गया, कब से बुला रहा हूँ, मैं बोला आजा अंडा खाने के लिए। या इधर आ, इधर आ, इधर आ। उसका ना मेरे बेबी गर्ल का ड्रेस पहना कर रखा, भैया था ना उन्होंने शादी किया, उनके शादी में मैं गई थी, और मुझे लगा भाभी को लेके आएंगे देखूंगी, लेकिन भाभी को नहीं लेके आया, मम्मी पापा आया, सब लोग आया।
जाएंगे तो भाभी को दिखाऊंगी। मैंने शादी में गए थे लेकिन भाभी को नहीं देखा, बिकॉज उनका बहन के साथ ही उनके साथ एक ही दिन में था। कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग आया 10 मिनट में चला गया, नहीं अच्छा लगता। और उनका घर पे तो कितना सारा सिस्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यो नहीं किया बेबी का शॉपिंग नहीं किया, कपड़ा वपड़ा बाद में देखते, बाद में रोको तो सब ठीक कर लेते। तो मैं भी नहा लिया और बेबी भी नहा लिया, और दोपहर में क्या ना बेबी के लिए शॉपिंग करके करने के लिए गए थे। ओहो, बेबी के लिए शॉपिंग करने गए थे और बाहर पटाखा फूट रहा है। हे बेबी, तो एकदम हम शाम सो गई थी, अभी शाम हो गया। मैं बोला चलो उसको ना नया वाला ड्रेस पहना है, जो नया ड्रेस लेके आया ना आज। एक्चुअली जितने भी ड्रेस है सब नया ही तो है, उसका कोई पुराना ड्रेस नहीं है, सब नया ड्रेस है। मैंने तो बहुत सारा लेके आई थी, मतलब इतना ज़्यादा ड्रेस है वो, मतलब डायपर पहनेगा तो भी पहन पाएगा, क्योंकि वो नीचे से एकदम जामसूट वाला ना वो है, वो कभी बाहर जाए तो पहनाएंगे, क्योंकि डायपर हर रोज़ तो घर पर पहनाने वाला नहीं है। और अभी नया वाला ड्रेस पहन के सो रहा है, उसका सब नया नया ड्रेस है। और भी बहुत सारा है, देखा था क्या क्या है। अभी तो इतना है, मतलब हमारे घर पे भी उसके लिए का अलमारी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कपड़ा मैं अलग से रखना वाला हूँ। हमारे साथ रखेंगे तो कि कपड़ा इधर उधर खो जाएगा, जाएगा मेरी अलमारी में जाएगा नहीं है। ये एक जोड़ा शूज़ है, ये वाला शूज़ बहुत क्यूट लगता है मेरे को। तो मम्मी और अदरिक गए थे मार्केट में लेके आए, मैं जाऊँगी बाहर, मैं भी लेके आऊँगी। मैं अभी बाहर जाऊँगी जब भी तब लेके आऊँगी, ये तो कुछ दिन ही चलेगा। मैं बोला छोटा छोटा कपड़ा ही लिया, क्योंकि बड़ा कपड़ा लेगा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगेगा, कंजूसी नहीं करना चाहिए। दो तीन दिन भी पहने तो भी चलेगा, बट छोटा ही होना चाहिए, जैसा बेबी ऐसे ही होना चाहिए। मतलब बड़ा बड़ा होगा फिर मतलब बहुत दिन पहन पाएंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए। और ये भी शूज़ देखो, ये भी सुंदर है, पिंक हेलो किटी शूज़ है। बेबी लोग हेलो किटी पसंद करते हैं, पर वो तो भी छोटा है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अरे ये वाला शूज़ बहुत क्यूट है, मैं खुल के देखाऊंगी लास्ट में इसको। तो बस अभी पूरा से लेके आया है, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आया, घर पे पहनने के लिए बस। ये देखो ये एक, अरे लेगिंग्स है साथ में। और ये वाला है पैंट, इसका जो ऊपर का टॉप है ना वो पहनेगा अभी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ छोटा छोटा लेके आया, क्योंकि बड़ा होते हैं ना तो थोड़ा लंबा होता है तो नहीं अच्छा लगता दिखने में। और एक और पिलो लेके आया दिखने, एलिफेंट वाला पिलो तो ऑलरेडी मैंने घर पे भी मस्टर्ड वाला बनाया, और दूसरा भी उसके पास है ऑलरेडी, फिर भी लेके आया। और यहाँ पे सॉक्स लेके आया, बहुत सारा सॉक्स है, मैंने ऑलरेडी एक जोड़ा पहना के रखा, और एक जोड़ा यहाँ पे है। और यहाँ पे है कैप, मुझे तो कैप ये ब्लू कलर नहीं, ऐसे ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेके आया एक दो दिन पहनेंगे खत्म। और दूसरा वाला कैप, ये भी सॉक्स है देखो, ये वाला सॉक्स मतलब शूज टाइप का सॉक्स है। विंटर आ रहा है ना तो बहुत सारा मतलब चाहिए होता है। ये भी एक जोड़ा सॉक्स है, ये वाला सॉक्स और शूज एक ही है दोनों, मतलब शूज का भी काम करेगा, सॉक्स का भी काम करेगा। इतना छोटा बेबी का शूज पहना नहीं सकते, इसीलिए उसको गर्मी लग रहा है, अभी फैन ऑफ कर दिए इसीलिए। ये हाथ का मेटन वाला ग्लव्स है, मतलब ग्लव्स है लेकिन कपड़ा का है। दूसरा वाला पिंक कलर का, बाहर बहुत पटाखा फूट रहा है, अभी शाम के टाइम हो गया ना, तो इसीलिए मैं तो सो गई थी। मैं बोला देखाऊंगी कपड़ा, ऐसे बिल्कुल सो गई, मैं खुद भी नहीं देखा, मैं बोला देख लेते क्या लेके आया। अरे वाला एक है, ये थोड़ा सा बड़ा है साइज, ये 0 से 1 मंथ तक, 0 से 3 मंथ तक, सॉरी 0 से 3 मंथ तक। और 0 से 1 मंथ का जो बेबी होता है ना, मतलब 0 से 1 मंथ, वो वाला पहन के रखा है। ये थोड़ा मतलब 3 महीना होगा तो पहन पाएगा, मुझे नहीं लगता 3 महीना तक जाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, मुझे थोड़ा सा भी कपड़ा ख़राब होता है, मुझे पसंद नहीं आता, मतलब पहनाना पसंद नहीं आता, इसीलिए नहीं आता। मैं खुद नहीं पहनती उसको, क्योंकि उसको कैसे पहनने दे सकते। तो इतना ही है और कुछ नहीं है, मतलब बेबी का शॉपिंग इतना ही है अभी का ना। वो ऐसा शॉपिंग तो कुछ दिन बाद होते रहेंगे, मैं बाहर जाऊंगी तो कुछ भी अच्छा लगे तो उठा के लेके आऊँगी। पहले मेरे लिए लेके आती थी,
अभी उसके लिए भी लेके आऊँगी, मेरे लिए भी लेके आऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी बेबी सो रहा है अभी। सुसु करके सो रहा है, उठा भी नहीं है। बेबी तुम सुसु करके सो रहे हो? अभी मम्मी ने उठाया, अभी पता चला तुमको है? चलो 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 आजा आजा। ना ना ना, और एक 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 और ये बेबी का कपड़ा चेंज कर दिया और बेबी दोबारा सो गया अभी। चलो इसको ओपन करके देखते हैं अंदर कैसा है। शूज पहने का खुजली नहीं होगा पैर में, देखो ऐसा टाइप का है। क्यूट क्यूट सा शूज है लेकिन। ए बेबी तुम्हारा लिए शूज है बेबी, पहनोगे क्या? बाबू उठो 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 उठो, अभी दोबारा सो गया तू। चलो सबको बाय बोल दो। बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। क्या ना अभी हम लोग सो के उठे हैं ना, तो थोड़ा चाय वाय पियेंगे शाम को। बाहर पटाख फूट रहा है, हवा भी चल रही है मगर तुम ही नहीं। उसको गोदी मिलो ना, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको तो बेड में अच्छा लगता है। गोदी मिलो तो आह देखो तो देखो। चलो चलो सो जाओ सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ सो जाओ। बाय बाय।